हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे रीजंस के बारे में ना, जो आपको ये बताएंगे कि आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम ना आपको बार बार क्यों दिखाई देता है। कई बार ना हमारे साथ ऐसा होने लग जाता है कि किसी इंसान का नाम ना हमें बार बार दिखाई देता है, और इतनी ज़्यादा बार ये नाम हमें नज़र आता है ना पूरे दिन में, कि हमें लगता है कि आखिर क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें ना हमारे साथ हो रही हैं। अगर यही सेम चीज़ आपके साथ भी हो रही है ना, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगी जिसकी मदद से आप ये जान सकते हो कि आपके साथ ना आखिर ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। जी हाँ, जिस इंसान का नाम आपको बार बार दिखाई दे रहा है ना, ये साइन है कि वो इंसान ना आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, और इसीलिए किसी भी जगह किसी भी समय आपको हर जगह उसका नाम दिखाई दे रहा है। ये नाम आपको बस इसलिए दिखाई दे रहा है ताकि आपकी नज़रों में उस इंसान का ख्याल लाया जाए और आपको ये बताया जाए कि इस समय इस मोमेंट पे इस पल वो आपको ना याद कर रहा है। और दूसरा रीज़न, अगर आप उस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको यूनिवर्स बार बार साइन दिखा रहे हैं और आपको ना बार बार ये बता रहे हैं कि वो इंसान ना आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। जी हाँ, कई बार हम जिस पर्सन को, अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो उनका नाम हमें हर जगह दिखाई देने लग जाता है। और ये कुछ नहीं, बस ये एक कन्फर्मेशन होता है यूनिवर्स की तरफ से कि वो इंसान ना आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है और आपका प्रोसेस ना पावरफुली अब वर्क कर रहा है। और तीसरा रीज़न, जब हम किसी इंसान की बात को ना अपने मन के अंदर पकड़ कर बैठ जाते हैं और अपने ही मन में उस इंसान के प्रति कोई कड़वाहट को भर लेते हैं ना, तब भी हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि उसी इंसान का नाम ना हमें बार बार दिखाई देने लग जाता है। और ऐसा आपके साथ बस इसलिए होता है ना ताकि आपके मन के अंदर की कड़वाहट को आप छोड़ो और इन सारी बातों को आप लेट गो करो। जब भी आपको बार बार किसी इंसान का नाम दिखाई दे रहा है और उसके साथ साथ अगर आपको लेट गो का भी मैसेज मिल रहा है ना, तो समझ जाइए कि यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आप अपने मन के अंदर से उस इंसान के प्रति जो भी कड़वाहट और जो भी पेन वाली फीलिंग है ना, उसे हमेशा के लिए आप लेट गो कर दो। और पॉइंट नंबर 4, कई बार ना जो इंसान हमें लव वाइब्रेशन भेजता है ना, उसका भी नाम हमें हर जगह ना दिखाई देने लग जाता है। ये यूनिवर्स की तरफ से हमारे लिए एक इशारा होता है कि वो इंसान ना हमें ना लव वाइब्रेशन भेज रहा है। इसीलिए जब कभी हम किसी को लव वाइब्रेशन भेजते हैं ना, तो उसके साथ भी सेम यही सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके मन में आपके प्रति विचार आना, एक पॉजिटिव फीलिंग आना और आपका नाम उसे बार बार दिखाई देना। हो सकता है जिस इंसान का नाम आपको बार बार दिखाई दे रहा है, वो इंसान ही आपको लव वाइब्रेशन भेज रहा हूँ। इसीलिए ना ये सारी चीज़ें आपके साथ जो कुछ भी हो रही है ना, वो इशारा करती हैं कि आपकी लाइफ में ना कई सारे चेंजेस आ रहे हैं और आपको इन्हें खुले दिल से और पूरे पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ एक्सेप्ट करना है और पूरी तरह ना डिवाइन पावर पे ट्रस्ट रखना है। सो गाइज, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।